एक शहर में जुम्मन काका अकेले रहते थे और उनके घर के बगल में चार लड़के रहते थे, नितिन, राहुल, पंकज और शकील। एक दिन जुम्मन काका घर के अंदर सो रहे थे कि अचानक शोर आने से उनकी आंख खुल गई। ए, रुक रुक, तुम दोनों गेट के उस तरफ जाओ, आज छोड़ेंगे नहीं इसे। हाँ? रुको रुको, कोई गोली मत चलाना, वो मुझे दिख नहीं रहा। अरे बाप रे, ये तो गोली बंदूक लेकर आए हैं। अरे बम फेंक के मार दो क्या, वो बेड के पास ही होगा। क्या बम? अरे हमको क्यों मारना चाहते हो, हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? अरे यार रुको, मैं बम मार कर पूरा घर ही उड़ा देता हूँ। अरे देवा रे देवा, लगता है आज अपना आखिरी दिन है। एक काम करते हैं, चारों एक साथ घर के अंदर घुसते हैं और एक साथ गोली चलाते हैं। चलो चलो चलो। जुम्मन काका चादर ओढ़कर बेड पर लेट जाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं मारो, हमको नहीं मारो। यस, मार दिया उसे। जुम्मन चाचा इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अरे हम तो बच गए, हम तो बच गए, कुछ नहीं हुआ हमको। लगता है हमला बगल वाले घर में हुआ था। जुम्मन काका देखने के लिए अपना गेट खोलते हैं। गेट खोलते ही वो देखते हैं कि पड़ोस के बच्चे उनके घर के बाहर बैठकर फोन में गेम खेल रहे थे। अरे तुम लोग इधर, तुम लोगों ने सुना क्या, अभी गोली चल रही थी। क्या क्या आप भी? अरे कोई गोली वोली नहीं चल रही थी, ये तो हम गेम खेल रहे थे फोन में। गेम खेल रहा था? हाँ, ये देखो विनर विनर चिकन डिनर। जुम्मन काका अंदर जाते हैं और एक डंडा लेकर आते हैं। उनके हाथ में डंडा देखकर सभी बच्चे भाग जाते हैं। कुत्ता रुको, भागते किधर हो? अरे ऐसे गेम खेलते ही क्यों हैं? तुम्हारी वजह से फेफड़े मुंह में आ गए मेरे, अभी थोड़ी देर और रुकते तो गुर्दे में हार्ट अटैक आ जाता मेरे। वो चारों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जुम्मन काका को फिर शोर सुनाई देता है। इस बार वो खिड़की खोल कर देखते हैं, वो चारों लड़के पेड़ के नीचे बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। अरे नितिन, शकील, पंकज, तुम सब सुबह सुबह आगे दिमाग खराब करने। यस यस यस, चार मार दिए मैंने। तभी वहाँ पर पंकज की मम्मी आ जाती है। अरे ओ निकम्मे, दिन भर फोन में मर्डर ही करता रही हो, चल अब स्कूल का काम भी कर ले। हद है यार, कुछ ऐसे गेम भी नहीं खेलने देता। ये कहकर वो चला जाता है। जुम्मन काका नितिन के पास जाते हैं और कहते हैं, बच्चों ये जो तुम दिन भर गेम खेलते रहते हो ना, ये सही नहीं है। फोन में गेम खेलना गलत नहीं है, पर हद से ज्यादा गेम खेलना गलत है। काका हम तो अभी अभी खेल रहे हैं और वैसे भी छुट्टियां हैं, तो हम क्या करें बताओ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बहुत शरारत और उछल कूद करता था, अपने दोस्तों के साथ भागता दौड़ता रहता था। तुम्हें भी ऐसे ही खेल खेलने चाहिए, इससे तुम्हारा शरीर मजबूत और सही रहेगा, वरना बैठे बैठे खेल कर तुम्हारा दिमाग और शरीर दोनों खराब हो जाएंगे, समझे कि नहीं? हाँ समझ गए काका। ये कहकर वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन शकील बाहर घूम रहा था, तभी उसने देखा कि पंकज रोड पर चलते हुए गेम खेल रहा है और उसके सामने से गाड़ी आ रही है। पंकज पंकज। पंकज के ना सुनने पर शकील भागते हुए जाता है और उसे गाड़ी में लड़ने से बचा लेता है। बाल बाल बच गए तुम आज। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, हमें कभी भी रोड पर चलते हुए फोन में गेम खेलना या गाने सुनने जैसा काम नहीं करना चाहिए। फिर शकील ने पंकज को वो सारी बातें बताई जो जुम्मन काका ने उन्हें बताई थी। तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगली सुबह फिर पबजी गन की आवाज आती है। मारो मारो, गोली चलाओ, वो भाग रहा है। ये कभी नहीं सुधरेंगे, पता नहीं ऐसा क्या है इस गेम में जो हम बूढ़ों को नहीं दिखता।